प्रदेश के जिला नुमाइश मैदान सिकंदरा कानपुर देहात में चेयरमैन मुन्नी बेगम और मुन्ना कुरैशी पूर्व चेयरमैन की तरफ से 18 अप्रैल 2018 को ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें कन्वीनर रही चेयरमैन मुन्नी बेगम और मुन्ना कुरैशी पूर्व चेयरमैन, और इसमें को कन्वीनर रहे शेख मोहम्मद कानपुर पुखराया देहात। इस मुशायरे का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के नेता समरत पाल ने किया और इस मुशायरे की सदारत की हाजी मुस्तकीम मंसूरी ने। इस मुशायरे में मेहमान एक खुसूसी रहे अंसार उर्फ गुड्डू चेयरमैन। उसको बचा के ले गए। अगर आप भी चाहते हो कि वो अकले वाला जो इनका कलाम है वो आपके खिदमत में जरूर पढ़वाया जाए तो फिर मुझे बताइए। अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, और नहीं सुनना चाहते हो तो फिर मुझे आगे बढ़ना है। बुलाएं क्या? बुलाएं तो फिर ताली वाली बजाइए, सारे लोग मिलके बताइए कि आप सुनना चाहते हैं। तो मैं सज्जाद रंजन को बुलाता हूँ कि वो अपना हुकुम की तानी इसलिए कर रहा हूँ कि वाकई ही अभी गुंजाइश ये रह गई थी कि जो मैं चाहता था जैसे आप लोगों की हिम्मत करना, वो इसलिए क्योंकि रिस्पॉन्स जो है अगर आपकी तरफ से बिल्कुल बाकायदा, वैसे मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा ना सुना, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ा सा खराब भी सुना है आप मुशायरे को, थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करें जिससे कि आपका दोष जोर भी सुनाई दे, जिससे कि लगे कि आप लोग मुशायरे में बैठे और आपकी हाजिर जो होती रहे। मैं मुलाहजा करें हकले से मुताबिक सुन गया और आपको हुक्म मिला है, और हकले से मुताबिक ये कि अच्छा हकले का जो वजह यह है कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, बहुत सीधा, उसके वजह उसकी होती है कि अपनी बात पूरी नहीं कर पाता, दूसरा अगर वो अटक गए तो दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। जैसे कि मैं भी मेरे दोस्त हैं जिनसे मुझे आइडिया मिला, वसीम भाई, वो हकला के बोलते हैं, उनसे मुझे आइडिया मिला हकला कैसे बोलता है। तो अब उनके साथ सीधेपन की बात देखी, चौकले पे उनकी चौराहे पर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मुझे नहीं मालूम था, तो भीड़ थी, भीड़ मैंने देखी, मैं गया, मैंने देखा कि साहब वो जो है वसीम भाई से किसी का झगड़ा होगा, वो एक तरफ खड़े हैं, हाथा पाई तो रुक चुकी थी, जब मैं पहुंचा लेकिन गाली गलौज चालू किया, उसका भी ये गाली गलौज का ये हिसाब था कि वो आदमी बदस्तूर गाली पीछे लगा रहा था जिससे झगड़ा हुआ, और वसीम भाई एक तरफ खामोश खड़े थे, इससे कुछ निकल ही नहीं रहा था मुझे, और मैंने सोचा दोस्त है वसीम मेरे, तो मैंने उनसे कहा वसीम भाई गाली दो यार मैं खड़ा हूँ, घबराने की बात नहीं, आपकी दो गाली नहीं दी उसने, मैंने कहा दो यार गाली जब मैं खड़ा हूँ तो घबराने की क्या बात है, वैसा उन्होंने गाली नहीं दी, एक तरफ को चल दिए। मैं उनके साथ साथ अगले चौराहे पे जाके उनकी आवाज आई, अगले चौराहे पे जाके उनकी आवाज निकली, मैं उनके साथ साथ कहने को लड़ाई भागी झगड़ा हुआ और गाली हाथ दे रहा, जब मैं तुम्हारे साथ था तो घबराने की क्या बात थी, कहने ये बात नहीं है, मैंने फिर कहने शुरू तो वही करी थी, निकली यार। तो ये सीधेपन की बात है हकले की। अच्छा हकले के सीधेपन की एक और बात बताओ आपसे, कि एक साहब हम ला के बोलते तो उन्हें कॉटराई कपड़ा खरीद कर था, कॉटराई कपड़ा खरीद लेके वो निकले बाजार में, जैसे कपड़े की दुकान के बाहर पहुंचे तो कॉटराई कपड़ा थोड़ा महंगा आता है, तो इस वजह से जब उन्होंने जेब में हाथ दे के पैसे देखे तो जेब में पैसे कम निकले, उन्होंने इरादा बदल दिया, कॉटराई से मार्किन पर आ गए, मार्किन सस्ता कपड़ा, उन्होंने सोचा मार्किन से काम चला लिया जाए, पहले कॉटराई खरीदना चाहते थे, जहन में आप अपने रखी के पहले तो कॉटराई खरीदना चाहते थे, उसके बाद वो मार्किन पे आ गए, और वो जाके कपड़े की दुकान में स्टूल पर बैठे और सामने सेलमैन बैठा था, मालिक इधर बैठा हुआ था, सेलमैन से मार्किन कपड़ा मांगने लगे, और अकेले थे, बहुत देर तक परेशान रहा, उनकी शक्ल देखता रहा, पहले उनसे पूछा कि तू मार मार्किन मांगने लगे कि मार, अरे भाई मार, बहुत देर तक तो सेलमैन उसकी शक्ल देखता रहा कि क्या क्या है चारा मार मार, तो उसने फिर दुकान मालिक की तरफ देखा, दुकान मालिक बोला कि देख क्या रहा मार मार साहब खींच के, अब उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ जो रसीद किया, उसके गाल पे जब पांच उंगली छप गई तो गाल पे हाथ रख के बोला कि अच्छा हुआ काट लाई नहीं बनी क्या वरना। हकले से मुताल्लिक इश्क ये कि वो एक नई गजल सुनाता हूँ, नई गजल ये कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की ये
अदावत ये लोग जो कि झगड़ा और मतलब ला ना करें कि पाक की हिंद से अदावत काम पाक की हिंद से अदावत काम फिर उठाएगा जलालत काम। अब ये शेर एक और मशवरा बतौर के बन के शायर बेसुरार बेतुका बन के शायर बेसुरार बेतुका कर रहा है खुद को भारत काम का। अरे शेर बहुत काम का आपको सुना रहा हूं कि है इलेक्शन भी बड़ी लकड़ी का नाम है इलेक्शन भी का नाम भले झंझट दिया करके शादी ले ली आमद थे कुआरे ही भले झंझट दिया करके शादी बहुत शुक्रिया हजरत गिरामी जनाब सज्जाद।